जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा सुना रही हूँ, सुनिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे षटतिला एकादशी की कथा विस्तार से बताने को कहा। नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाना आरंभ किया। सुनिए, बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह उनके सभी व्रतों को नियमों का पालन करते हुए पूरा करती थी। एक बार उसने एक माह तक उपवास और व्रत किया जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया। व्रत और उपवास के कारण उसका शरीर शुद्ध हो गया। तब भगवान ने सोचा कि इसने शरीर तो शुद्ध कर लिया जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। उस ब्राह्मणी ने व्रत और उपवास के समय कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न या धन दान नहीं किया था। इस कारण उसे विष्णु लोक में भी तृप्ति प्रदान करना कठिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न वे स्वयं उसके घर भिक्षा लेने जाएं। एक दिन भगवान श्री हरि स्वयं उसके दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु मिट्टी का वही पिंड लेकर अपने धाम लौट आए। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ पर उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन धान्य से रहित थी। वह खाली कुटिया देखकर चिंतित हो गई। तब उसने पूछा कि उसने सभी व्रत विधि विधान से किए, फिर उसे खाली कुटिया और आम का एक पेड़ क्यों मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को अन्न या धन दान नहीं किया, इस कारण से तुम्हें यह दंड मिला है। फिर उसने श्री हरि से क्षमा याचना कर मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने के लिए आएंगी तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। जब वे षटतिला एकादशी व्रत की विधि बता दें तभी द्वार खोलना। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसा श्री हरि ने बताया था। षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसा ही षटतिला एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर हो गई तथा उसकी कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। अतः सभी लोगों को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल आदि का दान करें जिससे दुर्भाग्य, दरिद्रता आदि दूर होंगे और मोक्ष को प्राप्त होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को नरक से मुक्ति के साथ मोक्ष भी मिलता है। उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के पूजा, स्नान आदि के समय काले तिल का प्रयोग अनिवार्य है। षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को षटतिला एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी वाले दिन तिल में स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का उपटन, तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। जय लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की जय। जय मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।